अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्मार और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल PHY मेंटोर पे। उम्मीद है कि आप सब हैरो ऑफिसर होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर क्लास का यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये आपको ऑग्लेंस बताता चलूँ, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। फिर इसके अलावा हम एक्चुअली डिफरेंट स्टडी करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन, यानी हम इन तीनों को देखेंगे। है तो उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस, लेकिन इन तीनों में डिफरेंशिएट करना भी ज़रूरी है। तो आज हम इन तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आप इसे डिफाइन किस तरह करेंगे? कहते हैं एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी इसके तीन नाम और भी हैं। कहते हैं इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट to a specific point inside the field without producing an acceleration। देखिए कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास वो वर्क है जो किसी यूनिट चार्ज भी आप करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से, यानी रेफरेंस पॉइंट से फील्ड के एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर लाने के लिए एक्सेलरेशन क्रिएट किए बगैर, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करवाते हुए जो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, बिल्कुल होगी, हम इसे समझेंगे। जब समझेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। डेफिनेशन पढ़ने से क्लियर नहीं होता तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसके लिए देखें, सपोज कि आपके पास ये एक है सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। इस सोर्स चार्ज का ये एक रीजन है, ये एक एरिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास प्लस क्यू कैपिटल सोर्स चार्ज। अपनी ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज के वो ये रीजन है आपके पास यहाँ तक है। अब ये कोई दूसरा चार्ज है आपके पास स्मॉल क्यू यूनिट चार्ज या टेस्टिंग चार्ज, और ये देख लें आपके पास ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, जो आपने ये कहा कि यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इनफिनाइट डिस्टेंस पे है, यानी इनफिनिटी डिस्टेंस पे है ये। अब इनफिनिटी डिस्टेंस के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि इनफिनिटी डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं। तो अब देखें, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये बी पॉइंट भी एक शो किया हुआ है जो कि फील्ड के अंदर है। ये आपका स्पेसिफिक पॉइंट है, आपने इस चार्ज को इस रेफरेंस पॉइंट से इस स्पेसिफिक पॉइंट तक ले के आना है। आप देखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो बताया था आपको कि पॉजिटिव पॉजिटिव का दुश्मन होता है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, रिपेल करते हैं, दफा करते हैं एक दूसरे को। तो अब आप देखें इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी इस टेस्टिंग चार्ज को इस रेफरेंस पॉइंट से या इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद बहुत तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क आप इसके ऊपर करेंगे उस वर्क को ही आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंडीशन क्या है कि आप इसे इस तरह ट्रैवल करा के लाएं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता हुआ आए, एक्सेलरेशन इसमें जनरेट ना हो। एक्सेलरेशन जनरेट किए बगैर आपने इसे ट्रेवल करवा के लाना है इस रेफरेंस पॉइंट से इस स्पेसिफिक पॉइंट तक, यानी इस फील्ड के अंदर ले गया। तो इस फील्ड के अंदर लाने के लिए आप इस पर जो वर्क करेंगे उस वर्क को ही आप कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
देखिए आपको बताता चलूँ कि ये जितना भी दूर चला जाए ना कुछ अफेक्ट, ये जो सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज कुछ ना कुछ तो अफेक्ट इस पर क्रिएट करवाएगा। लेकिन हम इनफिनाइट डिस्टेंस इतनी दूर ले जाते हैं जहाँ पे हम सपोज ये कर लेते हैं कि इस चार्ज पे, इस कैपिटल चार्ज का या सोर्स चार्ज का जो असर हो रहा है वो तकरीबन जीरो है। तो आपने इसे यहाँ से इधर ले गया है जहाँ पे आप इसके इफेक्ट को फील कर सके, यानी इस फील्ड के अंदर ले गया है, तो आपको इजीली वो नहीं आएगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। आपको एक और भी एग्जांपल देता है, सपोज ये सोर्स चार्ज है, ये आपका जज है, ये एक कमरे अदालत है, यानी ये इसका रूम है, और ये सपोज के आप हैं और आपने मर्डर किया हुआ है और आप भाग गए हैं, दूर भाग गए हैं, इनफिनाइट डिस्टेंस पे चले गए हैं, सॉरी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे पता बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप ऐसा काम नहीं करते। तो आपने ये मर्डर किया हुआ है और आप बहुत दूर चले गए हैं, जज से भाग के, कमरे अदालत से भाग के आपका फैसला होना है कि आपको बरी किया जाए या सजाए मौत दी जाए, तो आप बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर भाग गए हैं। तो अब देखें, आप इजीली तो कमरे अदालत में नहीं आएंगे, आपको लाने के लिए कमरे अदालत में क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फोर्स भेजनी पड़ेगी या पुलिस भेजनी पड़ेगी, और वो पुलिस या फौज आपको उठा के इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ले आएगी जहाँ पे ये जजेस अब फैसला करेंगे, अपना असर बताएंगे आपको, इन्फ्लुएंस क्रिएट करवाएंगे या अफेक्ट क्रिएट करवाएंगे। तो आपको इस रेफरेंस पॉइंट या इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया गया, उस वर्क को ही आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक्सेलरेशन भी जनरेट नहीं होने देना, ये नहीं कि आपको रास्ते में पहले वो खिलाए पिलाएंगे, फिर चाय पिलाएंगे, फिर पानी पिलाएंगे, रुक रुक के फिर ले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, आपको फौरन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए इधर लाना है। एक और बात कंसेप्ट आपको देता है, एक्सेलरेशन क्यों नहीं हम क्रिएट होने देते, क्योंकि अगर आप इस चार्ज को एक्सेलरेट भी करवाएंगे ना, तो जब चार्ज एक्सेलरेट करता तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करता है, तो फिर आपका ये समझने के एक नया फिनामना सामने आ जाएगा, उसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे, इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करवा के लाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखते हुए ट्रैवल करवा के लाएंगे, एक्सेलरेशन जनरेट किए बगैर ट्रैवल करवा के लाएंगे, तो उस वक्त आपको जो इस पे वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही आप क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये केस टू अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये नेक्स्ट करेंगे हम, केस वन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लें, वी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, ये क्यू नॉट आपका वही टेस्टिंग चार्ज है, यानी वही मुजरम है जो भागा हुआ है। तो इस मुजरम पे आपने ये जो वर्क किया इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस स्पेसिफिक फील्ड या उस स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए, वो आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप मेजर करते हैं वोल्ट में, तो वोल्ट किसके इक्वल, देखिए वर्क आपको जो करना पड़ेगा वो जोल और चार्ज जो है वो कूलम। या आप सपोज कर लें कि चार्ज अगर 1 कूलम है और वर्क जो है वो 1 जोल है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी अगर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने के लिए विदाउट क्रिएटिंग एक्सेलरेशन अगर आपको 1 जोल वर्क करना पड़े, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये आपकी वोल्ट की डेफिनेशन भी होगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। ये हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे, V इज इक्वल टू W ओवर क्यू नॉट, अभी सिर्फ जनरल रिलेशन बताया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देख लें वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज है, कि जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, तो उस वक्त उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है,
उस स्टोर्ड एनर्जी को ही आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को ट्रेवल करवाने के लिए आप उस पर जो वर्क करेंगे या जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसे आप कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। घबराना नहीं, एक्सप्लेन करूंगा, ये भी क्लियर होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, कहते हैं देयर आर टू की एलिमेंट्स ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, इट्स ओन इलेक्ट्रिक चार्ज। एक तो ये खुद इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करेगा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उसकी मैग्नीट्यूड कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, बहुत बड़ा चार्ज है या बहुत छोटा चार्ज है जिसे आप ट्रेवल करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। दूसरा वो कहता है इट्स रिलेटिव पोजिशन विद अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, उस रिलेटिव पोजिशन पर भी डिपेंड करेगा जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है, यानी आपने कहाँ तक लेके जाना है इस टेस्टिंग चार्ज को दूसरे चार्ज जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसके जरिए। मैं ये क्लियर करवाऊँगा आपको, समझाऊंगा आपको, तो फिर आपको यह क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पहले हम देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की ग्रेविटी से दूर ले जाते हैं, हाइट पे ले जाते हैं, तो फिर उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कि ये आपके पास बाल है, अगर तो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अगर तो ये अर्थ पे पड़ा हुआ है तो इसकी कोई एनर्जी नहीं होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और अगर आप इसे उठा के ये ले जाते हैं तो फिर आप देखेंगे उसमें एनर्जी स्टोर होगी है। अगर आपने चेक करनी हो इसकी एनर्जी तो आप ये आयरन बाल लें और इसे ज़मीन से उठा के इधर ले जाएं और नीचे कोई चीज़ रख दें, सपोज के ग्लास रख दें, शीशा रख दें, तो यहाँ से जाके आप इसे छोड़ें, जब ये नीचे गिरेगा देखेंगे शीशा टूट जाएगा, ग्लास टूट गया। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने इसकी पोजीशन चेंज की तो उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब आपने इसे छोड़ा वो एनर्जी आपने वो आके इसने ग्लास पे डिलीवर कर दी और ग्लास जो है वो टूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप उसे लेके गए तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। सेम यही आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा तो चार्ज में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे। सपोज ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है बहुत बड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब पड़ा हुआ था क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके रखता है, और अगर आप इसे इस अट्रैक्शन से पीछे हटाएं, दूर ले जाएं, तो फिर आप देखेंगे इसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। या हम देखते हैं दूसरी तरफ हम इसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये दूसरी प्लेट है जिसपे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर इधर आप कोई पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट करते हैं तो वो किधर आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, ये आपका वो पॉजिटिव चार्ज है, वो किधर आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब अगर आप इस चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। सेम इसकी तरह, जिस तरह अगर ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है आप ज़मीन से उठा के इसे इधर लेके जाना चाहते हैं तो आपको आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, ये खुद बहुत तो नहीं जाएगा, और जो वर्क आपने किया वही क्या बन गई, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई। सेम इसी तरह जब आप इस पर वर्क परफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाने के लिए, तो उस वक्त वो वर्क क्या बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, या उस वर्क करने की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखें जैसे पीछे बात की, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक ये चार्ज कौन सा है, अगर तो ये पॉजिटिव है तो आप इसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आएंगे जहाँ से यह खुद बहुत नहीं जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर आप
उल्ट करेंगे, आप इसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके आएंगे, जिस डायरेक्शन में वो खुद ब खुद नहीं जाएगा। तो एक तो इस चार्ज की क्वांटिटी पे इसने डिपेंड किया, दूसरा नेचर पे डिपेंड किया, और दूसरा ये वो चार्ज है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस पर भी डिपेंड करेगा ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज कैसा है। अगर ये चार्ज आपका बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो आपको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और अगर ये चार्ज बहुत कम है तो आपको वर्क कम करना पड़ेगा क्योंकि ये कम फोर्स लगाएगा। तो इस तरह देखें, ये दोनों पे डिपेंड करें। अगर इस चार्ज की क्वांटिटी आप बढ़ा दें तो फिर भी आपको वर्क करना ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो ये आपका ये वाला चार्ज, यानी ये टेस्टिंग चार्ज कह लें, टेस्टिंग चार्ज कैसा है, और ये सोर्स चार्ज कह लें कि सोर्स का चार्ज कैसा है। टेस्टिंग चार्ज या सोर्स चार्ज दोनों में से जो भी ज़्यादा हो जाए आपको वर्क ज़्यादा ही करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, और इस तरह उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा ही होती जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं इसकी बात कर रहा था, ये इट्स रिलेटिव पोजीशन विद अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी पोजीशन कैसी है। पोजीशन का मतलब ये है कि आप जितना करीब लेके जाएंगे उतनी आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये दूर पड़ा हुआ है तो इसका अफेक्ट, यानी इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू इस पॉइंट से। यानी अगर आप इसे ट्रैवल करवाना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे आप करीब जाएंगे, इसका जो रिपल्शन फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, और उस रिपल्शन, ज़्यादा रिपल्शन फोर्स को कवर करने के लिए आपको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये रिलेटिव पोजीशन में भी डिपेंड करेगा, यानी जितनी दूर आप चलते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर होती जाएगी। सेम इसकी तरह, जिस तरह बाल आपने इस पॉइंट पे रखा, अगर आप इस पॉइंट की बजाय और आगे ले जाते, और ऊपर ले जाते, ज़्यादा हाइट पे ले जाते, तो ज़्यादा एनर्जी इसमें स्टोर हो जानी थी। सेम इसी तरह अगर आप इसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो इसमें भी क्या होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है एक तो इस चार्ज पे कि ये चार्ज कैसा है, और दूसरा रिलेटिव पोजीशन पे कि आपने इसकी पोजीशन कैसी चेंज करवाई, कम चेंज करवाई या ज़्यादा चेंज करवाई। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज, द पोटेंशियल इज मेजर्ड। हाँ जी, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड करता है जिसका पोटेंशियल आपने मेजर करना हो, यानी सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। ये शुरू में जो आपने कहा, ये वाला सोर्स चार्ज, इसका पोटेंशियल आपने बताना है, इसका पोटेंशियल आपने मेजर करना है कि ये इस चार्ज पे पोटेंशियल कैसा अप्लाई करेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ इस सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर सोर्स चार्ज बहुत बड़ा है तो उसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर सोर्स चार्ज बहुत छोटा है तो उसका पोटेंशियल भी बहुत कम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपका, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द चार्जेस। तो अभी आपने बताया कि ये दोनों चार्जेस पे डिपेंड करेगी कि सोर्स चार्ज कैसा है और ये टेस्टिंग चार्ज कैसा है, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। और ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी मैंने शो किया, अभी हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सिर्फ ये शो कर दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कूलम फोर्स है जो कि इक्वल है के क्यू वन क्यू और आर स्क्वेयर, क्यू वन सोर्स चार्ज, क्यू आपका टेस्टिंग चार्ज, न्यूटन में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और पॉइंट चार्ज के लिए बात करें तो एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपके लिए आता है के क्यू वन ओवर आर स्क्वेयर न्यूटन पर कूलम में। और ये पोटेंशियल एनर्जी या वो वर्क जो आप उस चार्ज पे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रैवल करवाने के लिए, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही आपने ट्रैवल करवाना है, ये याद रखना। तो वह वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एफ आर आ गया, एफ आपके पास ये है, आर आपके पास डिस्टेंस है दो चार्जेस के बिटवीन। तो देखिए, नीचे आर स्क्वेयर आ गया, ऊपर आर कट जाएगा, तो ये एनर्जी आपकी रह जाएगी के क्यू वन क्यू ओवर आर। ये देखें, यहाँ पे ये एनर्जी इन दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे भी और टेस्टिंग चार्ज पे भी। और अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल आपके पास वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क या एनर्जी आपके पास क्या है, एफ आर,
तो अब देखें आप इसकी वैल्यू पुट करें एफ की, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है के क्यू वन ओवर आर। ये रिलेशन हमें ये शो करता है कि ये पोटेंशियल सिर्फ सिंगल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। सोर्स चार्ज जितना बढ़ा देंगे आप पोटेंशियल उतना ज्यादा हो जाएगा, सोर्स चार्ज जितना कम करेंगे पोटेंशियल उतना कम। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इसकी आ गई मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आपकी बुक की तरफ। तो ये देखें आपकी बुक ये शो करती है कि आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, एक प्लेट ए है दूसरी बी है, ए पे नेगेटिव चार्ज है बी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दरमियान में आपने पॉजिटिव चार्ज टेस्टिंग क्यू नॉट को छोड़ दिया, तो जैसे आप छोड़ेंगे ये खुद बहुत नीचे आएगा। जैसे कि एक बाल लें और बाल को ऊपर से आप छोड़ दें तो वो खुद बहुत जमीन की तरफ आता है। तो ये देखें ये खुद बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ट्रेवल करेगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज को स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है, आगे डिस्टेंस ज़्यादा ना बढ़ाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा, खुद बहुत नीचे आएगा और इस पर जो फोर्स लग रही होगी ये आपने प्रूव की है ई इजिकल टू एफ ऑफ क्यू, क्यू इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो एफ इजिकल टू आ जाएगा क्यू ई। ये वही लिखा है चार्ज क्योंकि क्यू नॉट है तो ये क्यू नॉट ई बन गए। अब देखें ये वही प्लेट्स हैं, ये वही चार्ज है, ये खुद बहुत नीचे आ रहा है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी मेजर करनी है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल करवाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल कराने के लिए आप इस फोर्स के इक्वल फोर्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगवाएंगे ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रेवल कर सके। तो फिर इस ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ इस चार्ज को ट्रेवल करवाने के लिए आपने इस चार्ज पे जो वर्क परफॉर्म किया उस वर्क को ही आप कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो वर्क आपका क्या है, डब्ल्यू ए बी, यानी आपने ए से बी की तरफ ट्रेवल कराया। और जो आपने एनर्जी अप्लाई की या जो एनर्जी चेंज हुई वो आपके पास क्या हो जाएगी, डेल्टा यू। चेंज क्यों होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप नेगेटिव से दूर और पॉजिटिव के करीब चलते जाएंगे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। पीछे मैंने आपको ये क्लियर किया है। तो इस बढ़ने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आपने डेल्टा यू कह दिया। तो इसे ओपन फॉर्म में लिखें तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। यू बी आपकी इस बी प्लेट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और यू ए आपकी इस ए की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो डिफरेंस आप कैसे लेते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इस प्लेट की आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी तो ये पहले हमने ले लिया, इसकी लो होगी तो ये हमने माइनस कर दिया और आपके पास वर्क इक्वल आ गया चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट थर्ड चीज हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो आपने वर्क किया उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आया आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उस वर्ड के इक्वल है जो आपने परफॉर्म करवाया। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो ये देखें ये डेल्टा वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी इस चार्ज पे जो वर्क करना पड़ा वो आपका क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या सिंपल आप ये कह लें कि वर्क जो आपने परफॉर्म किया उस वर्क पे जब आप चार्ज उस वर्क पे जब चार्ज को टेस्टिंग चार्ज को आप डिवाइड कर देंगे तो फिर आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका वही अकॉर्डिंग टू दिस प्लेट्स इस बी प्लेट का वी बी होगा, ए प्लेट का वी ए होगा और ये डिफरेंस आपका आ गया वी बी माइनस वी ए, क्योंकि पॉजिटिव का आप सपोज करते हैं पोटेंशियल ज्यादा है और नेगेटिव का जो है वो पोटेंशियल कम है। तो ये डिफरेंस बन गया आपका वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू
डब्ल्यू ए बी पीछे आपने प्रूव किया डेल्टा यू के इक्वल, तो इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी डेल्टा यू और ये डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर टेस्टिंग चार्ज या पर यूनिट चार्ज, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी जब अब चार्ज से डिवाइड कर दें यूनिट चार्ज से या टेस्टिंग चार्ज से, तो उस वक्त आपका क्या आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसके लिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है या इन्फिनिटी डिस्टेंस नहीं है, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट है, तो ये देख लें अगर आपके पास चेंज इन एनर्जी 1 जूल हो और चार्ज आपके पास 1 कूलम हो, तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर आप 1 जूल वर्क परफॉर्म करें या 1 जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दें, तो उस वक्त आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा 1 वोल्ट होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है सेम। तो आइए देखते हैं अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी को लेके हम आगे चले जाएं। तो ये देख लें ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कि अगर आप ए प्लेट को इनफिनिटी डिस्टेंस पे ले जाएं, और ये वही पिक्चर आ गई जो शुरू में आपको बताई थी, आप ए प्लेट को इस डिस्टेंस पे ले गए रेफरेंस पॉइंट पे ले गए जहाँ पे इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है, और इस डिस्टेंस पे जो वी ए जो इसका पोटेंशियल होगा वो कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, आप इसे इतनी दूर ले गए हैं जहां पर इस सोर्स चार्ज का अफेक्ट तकरीबन कैसा हो गया जीरो हो गया, तो वी ए आपका क्या हो गया जीरो। ये पीछे वाले रिलेशन लेंगे आप वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अवर क्यू नॉट, तो वी ए आपका कैसा हो गया जीरो एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ये आपने इन्फिनिटी शो कर दिया कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस चला गया, तो ये रिलेशन बन गया वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अवर क्यू नॉट। तो आप इसे आप जनरल फॉर्म में लिखें तो ये जीरो माइनस करें तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अवर क्यू नॉट रह जाएगा, और जनरल फॉर्म इसकी बन गई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अवर क्यू नॉट, और ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपके पास इस टेस्टिंग चार्ज पे वर्क की है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी इस टेस्टिंग चार्ज पे वर्क की है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने एक टेस्टिंग चार्ज का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी कर दिया है, यानी सोर्स चार्ज से टेस्टिंग चार्ज का डिफरेंस अगर इन्फिनिटी हो जाए और इन्फिनिटी से लेकर आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट किए बगैर, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, और उसे आप क्या नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो कि ये शो किया मैं इसे कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका पहले, तो अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये इन्फिनिटी डिस्टेंस से आप इसे लेके आए हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट किए बगैर, तो उस वक्त आपको इस चार्ज पे जो वर्क करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये देखे केस टू, अब केस टू में देखे सोर्स चार्ज ये है आपके पास और टेस्टिंग चार्ज भी आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है पहले ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो आप वर्क करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। यानी केस टू आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। उम्मीद है कि आपको फर्क पता चल गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इन सब में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। माइनर सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका वर्क है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसे ट्रेवल करवाने के लिए वर्क करते हैं उसके ऊपर, और इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने के लिए, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आप जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।